लंबे टाइम के लिए जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि यार जाने से पहले पहले जो है वो अलविदा ही इनके कर देते ताकि जान छुटे। लिटरली नॉर्थ अमेरिका में इस तरह के ट्रक्स जीएमसी का मतलब पहली दफा जीएमसी के ट्रक में बैठा हूँ मैं। ठीक है दोस्त, ये देखो यहाँ पे खून तो निकल ही जाता है। लोग ना दो साल में 6 मूवमेंट कर चुके हैं। एक मूविंग का बिजनेस खोल लेंगे मैं और अक्षर, क्या कहते हैं आप लोग बताए कमेंट्स में। अगर हम लोग मूविंग का बिजनेस खोल, भाई गेस करो फटाफट से कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेवल कर रहे हैं। देखिए हमारा सारा सामान ये सब हम बाहर निकाल के लेकर आए हैं कमरे से अभी और पैक हो गया है एंड ऑल इज गुड टू गो। टुमारो इंशाल्लाह सुबह में यानी के 25 मई होगी तो इंशाल्लाह उसमें हम लोग अपने स्टोरेज में सामान रख लेंगे। यहाँ पे देखो टीवी की भी पैकिंग हो चुकी है, अक्षर ने सारी ये पैकिंग की है। अभी अक्षर मुझसे कोई बात कर रहे थे अबाउट द सुघड़पन ऑफ मर्द। ठीक है, कितने सुघड़ होते हैं मर्द। अभी ये रखते हैं डिब्बे में तो आपको बता दें। जब आया था तो हर चीज मैंने संभाल के रखी थी, डब्बे उसके अंदर के डब्बे उसके अंदर की जो है वो ये थर्मोपोल थैलियाँ हर चीज ऐसे कुछ है वो हर मतलब और तो खैर बिल्कुल नहीं करती है ऐसी चीजें, बट मर्द भी बहुत कम करते हैं, बट कर लेते हैं। कुछ लड़कों को मैंने देखा है वाकई में जो बहुत ही अपनी चीजों को संभाल संभाल के रखते हैं। ये देखो सलीका मंदी से, सलीका मंदी से। वाह क्या बात है, तो यानी कि आप कह रहे हैं कि मैं अगर होती तो इस तरह सलीके मंदी से ना रखती। हाँ ना, ये देखो सही चल रहे हैं बच्चू। और पावर कॉर्ड डाल दिया, रिमोट डाल दे, रिमोट डाल दे इसके अंदर एंड ये हमारा टीवी पैक होके जा रहा है इंशाल्लाह स्टोरेज में हम इसको खड़ा कर देंगे। और बस गुड बाय टाटा, आपने लिया था 7 महीने हो गए तकरीबन ये टीवी लिए। गाइस वेकेशन पे जाने से पहले मेरी दोस्त नादिया ने हम लोगों को खाने पे बुलाया तो हम लोग अभी बस खाना वगैरह खाने वाले हैं और बड़े मजे का बनाया पुलाव वुलाओ कोरमा हम लोग ने और जो है सब साथ में मिलके खाएंगे। पिज्जा भी मंगवाया है काशिफ भाई ने, तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप लोगों ने हमें यू नो आज इतना टाइम निकाल के, क्योंकि अचानक का प्लान बना था राइट। पता चला कि हम लोग जा रहे हैं, पहले से ही पता था वैसे तो, बताऊंगा इंशाल्लाह आगे आपको चल के कि कौन है क्या है क्या नहीं है। मतलब पता है कितने पता देखा है ना, नए जो नए व्यूवर्स हैं उनको नहीं पता था हमारे दोस्त हैं यहाँ पे बने थे। तो बस हम लोग जा रहे थे क्योंकि लंबे टाइम के लिए जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि यार जाने से पहले पहले जो है वो अलविदा ही इनकी कर देते ताकि जान छुटे। अगर 1-2 महीने का प्लान होती है, पता नहीं कब मुलाकात होगी, क्या होगा, इंशाल्लाह बच्चों की शादी में मुलाकात हो शायद। नहीं नहीं मतलब लंबा प्लान है तो हमने सोचा कि जाने से पहले एक अच्छी सी दावत हो जाए। अचानक से इन लोगों ने इतना शॉर्ट टाइम में मतलब एक ही दिन में इन्होंने बोला कि भाई आ जाओ कल, तो बहुत बड़ी बात है। दोनों ही बेचारे जॉब करते हैं, दोनों ही काम जॉब करने वाले, इतना आसान नहीं होता बाहर के मुल्कों में रहके। पाकिस्तान में तो हो जाता है बट ये कि बाहर के मुल्कों में बहुत मुश्किल होता है, हफ्तों हफ्तों पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है किसी के घर जाने से भी पहले। और भी हम यहाँ पे समर एंजॉय नहीं कर सकेंगे, तो हमने कहा आज ही बनाएंगे समर वाले। मैं मैंने इसमें से कुछ नहीं बनाया। आप पिज्जा लेकर आए ना माशाल्लाह से, पिज्जा लेकर आए, पिज्जा मैं लेकर आया। जहाँ तक कई बात इसकी जैसे अक्षर ने बताया कि हाँ यहाँ पे 2-2 हफ्ते पहले लोगों के अपॉइंटमेंट्स लेने पड़ते हैं, तो ये बिल्कुल सच है। तो उस लिहाज से माशाल्लाह से दोस्त ने मेरी जो है वो बड़ा अच्छा इंतजाम कर लिया, तो भाई थैंक यू सो मच भाई। मेजर पिज्जा खोल के दिखाइएगा, ये इतना स्पेशल लग रहा है, ओह माय गॉड यार देखो कितना बड़ा है ये वाला, सच अ बिग साइज। गोल तो हमने देखे ही है लेकिन रेक्टेंगल साइज के पिज्जा भाई अच्छा लग रहा है। मतलब क्या है इसके अंदर, चलो भाई काशिफ भाई को और नादिया को अल्लाह हाफिज करने का टाइम आ गया है और बहुत शुक्रिया और हम बहुत मिस करेंगे अनाया को। अल्लाह हाफिज अनाया, यस इंशाल्लाह ताला, खुदा हाफिज। The next day. अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू अशर सना व्लॉग्स। तो काफी जो है वो लोगों के मैसेजेस आने शुरू हो गए, थैंक यू उसके लिए भाई कि आप लोग फॉलो करते हो। अब चैनल पे अगर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई किस चीज का वेट कर रहे हो, फटाफट से करो क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं। मैंने गाड़ी पीछे पार्क कर दी है और हम लोग इस वक्त जा रहे हैं यू हॉल की तरफ, जैसे कि सामने देख सकते हो। तो हम लोग जा रहे हैं मूविंग वैन लेने के लिए, जो ट्रक होता है मिनी ट्रक टाइप का वो जो है वो बुक करवाया है, उसके पैसे हैं आई थिंक $20 प्लस टैक्स और उसके बाद जो है उसकी इंश्योरेंस जो होती है वो है $15 की और फिर पर किलोमीटर कुछ चार्ज होता है 90 सेंट्स पर किलोमीटर।
अब देखते हैं बाकी के जो है वो टोटल बिल जब बनेगा तो वो फिर आपको बताऊंगा। फिलहाल जो है वो मैंने बुक कर लिया था, तो अब जाके देखते हैं। आई थिंक लाइसेंस वगैरह चाहिए होगा, तो और तो कुछ नहीं होता। अगर आप लोगों ने अभी तक गैस नहीं किया तो भाई गैस करो फटाफट से कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेवल कर रहे हैं, मतलब कौन से मुल्क जा रहे हैं, कौन सी सिटी जा रहे हैं। फटाफट से गैस करो और कमेंट्स में बताओ। A few moments later. So, ये हमें डॉक्यूमेंटेशन मिल गई है अग्रीमेंट की, जो हमने यूनिट लिया है उसकी। और यूनिट मतलब पता नहीं था मुझे कि ये फर्स्ट मंथ का रेंट फ्री होगा। अब ये पहले ऐसा कुछ था नहीं डील के अंदर, उन्होंने बोला नहीं था, बट इसमें लिखा हुआ है कि फर्स्ट मंथ का रेंट फ्री है। उसने भी बोला है कि अभी ये डील शुरू हुई है, तो मतलब जबरदस्त यार तुक्का लग गया। अल्लाह ताला जो आपके काम आसान कर रहा होता है जिंदगी में वो कर ही रहता है, और पैसे काफी बच ही जाते हैं। तो $70 समझ लो हमारे मंथली बच गए, मतलब इस महीने के बच गए। अगले महीने अब जाएंगे ऑटो पे से चले जाएंगे, डायरेक्ट डेबिट जो होता है। अब बस ट्रक यहाँ से रेंट किया हुआ है, वो रहा हमारा ट्रक। सो ये है भाई हमारा छोटा मोटा मुन्ना सा ट्रक, जो आज हेल्पिंग करेगा हमें घर लेने में, घर। सो आज हमें हेल्पिंग करेगा हमें घर को मूव करने में। काफी बड़ा है यार ये, आ जाएगा सब कुछ इसमें आराम से। सो मैंने अपनी लाइफ में इस तरह का ट्रक कभी नहीं चलाया जिसमें इस तरह के गियर होती हूँ। मतलब ये ऑटोमेटिक है, अब नहीं है, क्या है, अल्लाह मालिक है। चला के देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं। ये इस तरह चलता है। लिटरली नॉर्थ अमेरिका में इस तरह के ट्रक्स जीएमसी का, मतलब पहली दफा जीएमसी के ट्रक में बैठा हूँ मैं, और देखो बिल्कुल अलग है। मतलब नॉर्थ अमेरिका में जितनी भी व्हीकल्स वगैरह होती होंगी, एक अलग ही तजुर्बा है यार। अल्लाह ताला जो है वो जिसको जितने तजुर्बे करवा देता है। तो हमारी जिंदगी में वाकई में अलग अलग दुनिया के, अलग अलग मुल्कों के और अलग अलग शहरों के, गाड़ियों के, घरों के, जिंदगी के तजुर्बे लिखे हुए हैं नसीब के अंदर। तो इंजॉय करते हैं लाइफ को और एडवेंचर लेते हैं, और देखते हैं कि भाई आगे और कितने तजुर्बे होने बाकी हैं। देखो यहाँ पे खून तो निकल ही जाता है। ना हमने एडवेंचर किए दुनिया के अंदर, आपके हमेशा होता है मतलब घूमने के टाइम पे। गुड जॉब यार, बड़ा काम किया है तुमने। थैंक यू। ट्रैवलिंग के लिए एक्साइटेड हो? जी। आईयू इसको भी रखना है, एंड आई यू एक्साइटेड एज वेल सेफ? देखो घर पूरा खाली हो गया है। वाह गुड जॉब। ये जा रहे हैं कुछ ना होते होते। देखो कितना सामान हमने माशाल्लाह से जमा कर लिया। टीवी, मैट्रेस होते, एक ही गद्दा लिया था, एक ही बेड लिया था, इस वजह से थोड़ा कमी है। वो ड्रेसर था टॉल बॉय जिसको ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता था, उसकी दरवाजे खोलना भाई बहुत मुश्किल था, मैंने खोली नहीं। ये बेड है, ये साइड टेबल है, इसको भी खोलना एक बहुत मुश्किल काम था। एनीवे जाके देखूंगा रख के, नहीं तो फिर वहां पे कुछ करूंगा। कारपेट्स और कितने बॉक्सेस तो मैंने बंद किए हैं जो रखे हुए थे। ये सब चीजें माशाल्लाह माशाल्लाह से 7 महीने में इतना सब सामान जमा कर लिया। क्या कहते हैं ये सारा 5x5 में आ जाएगा? हाँ अल्लाह मालिक है, आ जाएगा अच्छा इंशाल्लाह। जब वो हमने जो सिडनी वाला करता उसके अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, हमने इससे भी डबल सामान था, वो 5x10 में रखा था। और 9 फीट उसकी जो हाइट थी सीलिंग की, चौड़ाई और लंबाई दोनों 5x5 है, और जो हाइट है वो 9 फीट है इसकी। एंड अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा काम हम लोगों ने कर लिया, स्पेशली अशर ने ज्यादा किया क्योंकि मेरे साथ अभी छोटा बच्चा है, तो मैं इतना नहीं कर पाई थी टू बी ऑनेस्ट। नहीं तो हम लोगों की जब पहले वाली शिफ्टिंग हुआ करती थी, जो हमने 2-3 दफा की ऑस्ट्रेलिया में, जो हमने की थी सिडनी में, तो अगर जो लोग हमें फॉलो करते होंगे उनको पता होगा कि हमने वो कितनी लंबी जर्नी पार की थी, और बहुत सारा काम था, वही टाइम याद आ गया। तो बस ऐसे ही फील हो रहा है कि नॉस्टैल्जिक वाली फीलिंग जो होती है ना इस वक्त, वो हो रही है बस। लेकिन खैर से अब इंशाल्लाह सामान जाएगा वापस, और दोबारा एक और मूविंग है, और दोबारा एक और एडवेंचर है जो हम करने जा रहे हैं। तो इट्स गोना बी अ लॉट ऑफ एक्साइटिंग वीडियो इज गोना कम। चलो बेस्ट ऑफ लक।
$100 और बस बस। अब देखो यहाँ पे इस तरह की आपको ट्रॉली मिल जाएगी आराम से स्टोरेज की, वहाँ पे मैट्रेस भी पड़ी हुई है। फाइनली हम अपने यू हॉल के 1544 लॉकर नंबर पे पहुंच चुके हैं, कस्टमर रेडी इन्होंने किया हुआ है भाई, देख लेते हैं। जी रूम नंबर 15 सेल्फ स्टोरेज, चलो अभी खोलो, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करो। खोलना है, खुल गया, खुल गया। इतना सा लॉकर हमें मिला है, अब इसके अंदर हमें पूरा सब कुछ घुसेड़ना है, देखते हैं कि भाई कैसे आता है, क्या आता है। क्यों भाई अंसब, क्या कहते हो, आएगा नहीं आएगा? अब्बा ने अगर रख दिया तो पता नहीं भाई। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करके निकल जाओ। अब ये देखो, ये सब सामान को हमें अंदर रखना है भाई, इसको आखिर में रखेंगे, सबसे बड़ी बड़ी चीजें लेकर आओ पहले। ये देखो मैट्रेस रखवाने में भी एक इन्होंने हेल्प करवा दी, इसको मैट्रेस को इस तरह रखते हैं, मैट्रेस की अलग ट्रॉली होती है, ये देखो लंबी लंबी चीज़ें इसमें आराम से आ जाती हैं इस ट्रॉली के अंदर। देखो सिंगल हैंड भी जा रहा हूँ, अब तो आदत हो गई है मूविंग की लिटरली, और आराम आराम से लेकर चलिए। शाबाश जी, शाबाश शाबाश शाबाश, गुड बॉय, कीप टर्निंग। और सोच रहा हूँ मैं भी कोई मूविंग शूविंग का बिजनेस खोल लेता हूँ, पाकिस्तान से 4-5 लड़कों को अपने इम्पोर्ट कर लेंगे और वहाँ से मिलके जो है वो कुछ उनको लगाते हैं लाइन पे, काम पे कुछ लगाते हैं और बड़ा कुछ बिजनेस खोलते हैं इंशाल्लाह। कमेंट से बताना क्या कहते हैं इस बारे में। सीखो बेटा, सीखो अपने अब्बा से, अब्बा ने कभी भी हार नहीं मानी। 5x5 के अंदर मैंने बोला था ना फिट करके रहूंगा, फिट कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। ये देख लो जी कितनी मैंने ऊपर ऊपर चीज़ें रखी हैं, ये वो तो दराजे मैंने थोड़ी बहुत खोली नहीं थी तो इस वजह से, नहीं तो और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें आ सकती थी। अभी ये वाली जो जगह ये सारी खाली है, ये इसके ऊपर थोड़ा बहुत खाली है। इसकी ये अच्छी बात है कि ये ऊंचा बहुत है, हाइट में बहुत अच्छा है, 9 फुट से भी ज़्यादा लग रहा है मुझे। और बस अब ये देखो, ये काफ़ी चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं, सो अब देखते हैं ट्रक के अंदर क्या बचा है। सो 8 की कार्ट नंबर यहाँ पे रख दिया, ऑलमोस्ट डन। ये सैफ का है, टॉयज का बॉक्स, रख दो रख दो, गुड ऑन यू, लास्ट। देखो कहाँ रख सकते हो उसको, जगह बनाओ। हाँ ये ताला इन्होंने हमें लॉक दिया है, पता नहीं फ्री होगा कि नहीं होगा, चार्ज करेंगे क्या नहीं करेंगे मुझे पता नहीं है। यू हॉल का अपना ही है तो मैं अपना लॉक लेकर आया था, बट उन्होंने कहा कि भाई यू हॉल वालों का अपना लॉक होता है तो वो आपका अगर लग भी जाएगा तो भी वो अपना लगाते हैं, मुझे पता नहीं है इस बारे में, आप बताना कमेंट्स में अगर किसी ने कभी रखा हो तो, इतना नहीं है वैसे भी नया ही है तो कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है। ये देखो जी 1544 में ताला लगा दिया है मैंने, कोई आके खोलना मत प्लीज। अल्हम्दुलिल्लाह जी वर्क इज डन और अब जा रहे हैं बस गाड़ी, ये अपनी गाड़ी की चाबी जो है ना उसमें ट्रक में लगा दूं कद्दू लगेगी, तो बस अब जा रहे हैं ट्रक वापस करेंगे। अपनी गाड़ी मैंने पार्क की हुई है सामने की तरफ, अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान ट्रक भी रिटर्न कर दिया है, मूविंग वैन जिसको कहलाते हैं। बस घर जाएंगे, बहुत थक गए, चाय शाय पियेंगे, कुछ रेस्ट करेंगे और देखते हैं फिर घर में कुछ सफाइयां भी करनी है। ट्रैवल की तैयारी है भाई, ट्रैवल करो, ट्रैवल मूविंग भी कर रहे हैं, मूविंग भी कर रहे हैं, ट्रैवल भी कर रहे हैं भाई, धमाकेदार व्लॉग्स आने वाले,
सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो फटाफट से करो, गैस करो कहाँ जा रहे हैं, गैस करो। छोटे से स्टॉप के लिए हम आ गए हैं टिम हॉर्टन्स। Later that same evening. तो गाइस अब शाम हो गई है और ये लोग अभी काम करके, यानी अयान और अशर दोनों काम करके अभी सारी मूविंग और स्टोरेज में सब सामान रख के आए हैं घर पे। तो मैंने कहा कि आप लोगों से एक छोटी सी बात शेयर कर दूं कि इन दोनों मर्दों ने इतना सारा काम किया है आज। मतलब मैं तो सोच भी नहीं सकती कि जितना फिजिकल काम ये होता है औरतों के बस का काम। वाकई में मुझे तो नहीं लगता मर्द जितना ज़्यादा फिजिकल काम करता है ये उन्हीं के बस का काम है। तो भाई हैट्स ऑफ आपको कि आपने इतना सारा काम अकेले ही किया, क्योंकि जब हम लोगों ने लास्ट टाइम किए थे जितने भी मूवमेंट्स तो उसमें मैंने आपका हाथ बटाया था काफी हद तक, बट इसमें यू डिड इट बाय योरसेल्फ। अल्हम्दुलिल्लाह, सो वेरी वेल डन। अल्लाह ने इतने मजबूत आसाब दिए हैं, इतनी अच्छी मेंटल हालत है, इतनी अच्छी फिजिकल हालत है, अल्हम्दुलिल्लाह। इस उम्र के अंदर भी अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है, क्योंकि इस टाइम पे तो काफी लोग हार मान जाते हैं, कहते हैं नए नए एडवेंचर्स नहीं करने, ये नहीं करना, अब हमसे मूविंग नहीं होती, अब हिम्मत नहीं रही, अब ये नहीं रहा। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इतने मजबूत आसाब दिए हैं कि बड़े बड़े एडवेंचर में कर जाता हूँ। तो फिर आपके ये दर्द तो नहीं हो रहा शोल्डर्स में? आज मसाज कर दूंगी कुछ शोल्डर्स का ताकि थोड़ा दर्द कम हो जाए आपका पैरों में। नहीं, हाँ पैरों में थोड़ा बहुत, पैरों में तो हो रहा होगा थोड़ा तो होता है क्योंकि वो तकलीफ है उसके अंदर, अभी चल रही है फिजियोथेरेपी वगैरह भी, कुछ चीजें चल रही हैं, बट वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा तो हो जाएगा। मगर देखो कैसे इंसान को कितनी भी बीमारियां हो अकेले सब कुछ करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। यहाँ पे कोई कंप्लेंट नहीं चलती, कुछ नहीं चलता कि ये है हमारी तबीयत ठीक नहीं है तो हम वो नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। जाहिर है आपको करवाना पड़ेगा, अगर आपको पैसे बचाने हैं अपने तो आपको खुद करना पड़ता है, और नहीं तो फिर आप लोगों से करवाते रहे और हजारों डॉलर खर्च करते रहे उसमें। यही बात है सारी की सारी। और बाकी मतलब हैट्स ऑफ टू ऑल द जेंट्स जो इतना फिजिकल काम करते हैं औरतों के बस का। सच्ची में ये काम इतना आसानी से नहीं है, औरतें बहुत सारे और काम कर सकती हैं एंड अगर करना चाहे तो कर सकती हैं। हाँ, लेकिन इट्स रिकमेंडेड कि लड़कियां ज़्यादा भारी चीज़ें ना उठाएं क्योंकि वही हमारी बॉडी उसके लिए बनी हुई नहीं होती जिस तरह मर्द कर सकता है। आप लोग को जान के हैरानगी होगी कि हम लोग ना 2 साल में 6 मूवमेंट्स कर चुके हैं। अभी कल रात को ही मैं और अशर बैठ के हिसाब किताब लगा रहे थे तो 6 मूवमेंट इन 6 दफा सामान उठाई बिठाई ले जाना इधर उधर खर्च चेंज करना, तो इट्स टू मच। मतलब इतना ज्यादा थकन हो जाती है, कभी कभी सोच सोच के अजीब हो रहा होता है। लेकिन उससे एक हमें आइडिया आया, हमें आइडिया ये आया कि ऐसा करेंगे कि एक मूविंग का बिजनेस खोल देंगे मैं और अशर। क्या कहते हैं आप लोग बताएं कमेंट्स में, अगर हम लोग मूविंग का बिजनेस खोल दें, क्योंकि इतना काम हो गया शुरू तो मैं भाई रिसेप्शनिस्ट बन जाऊंगी और अशर सारा मूविंग का काम कर लेंगे। आप लोग बताएं अगर आप लोग भी जो है वो इस बात से एग्री करते हैं तो। ठीक है जी, आप रेडी हैं मूविंग का बिजनेस खोलने के लिए? इतना कर चुके हैं, खोलेंगे। पाकिस्तान से 4-5 लड़कों को इम्पोर्ट करूंगा, यहाँ पे तुम ऑनलाइन बुकिंग वगैरह देख लिया करना, एक ट्रक खरीद लेंगे, काम शुरू कर देंगे। सेट हो गया, चलो डन डन डन।